दो महीने पहले रिटायर हुए राधेश्याम सुबह से कुछ परेशान हैं। राधेश्याम जी के पास पिछले हफ्ते एक बीमा एजेंट आया था। उसने बातों बातों में कुछ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी उनसे खरीदवा ली। जब उनकी बेटी ने पॉलिसी के पेपर्स की जांच की तो पता चला उन्हें तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। साथ ही पॉलिसी में रिटर्न म्यूचुअल फंड जैसे दूसरे ऑप्शन से भी कम थे। आपको बता दें कि राधेश्याम उन हजारों बीमा ग्राहकों में शामिल थे जो मिस सेलिंग के शिकार हुए हैं। लेकिन राधेश्याम खुशनसीब थे कि उन्हें एक हफ्ते में ही गलती का एहसास हो गया। उन्होंने फ्री लुक पीरियड का लाभ उठाया और पॉलिसी वापस कर दी। लेकिन बहुत से लोग मिस सेलिंग के शिकार ग्राहक ये फायदा नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि अभी तक फ्री लुक पीरियड की अवधि सिर्फ 15 दिन की थी। लेकिन बीमा नियामक IRDAI यानी IRDA ने अब बीमा ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। IRDAI ने पॉलिसी वापस लेने के लिए निर्धारित फ्री लुक पीरियड को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। इंश्योरेंस एजेंट या एडवाइजर ज्यादा कमीशन के लिए आपको ऐसी पॉलिसी थमा देते हैं जिनकी एक्चुअल में आपको कोई जरूरत नहीं होती। ये मामले ज्यादातर निवेश और बीमा के कॉम्बिनेशन वाली पॉलिसीज में देखने को मिलते हैं। इस अवधि के बढ़ने के साथ बीमा धारक पॉलिसी के नियमों एवं शर्तों से अगर संतुष्ट ना हो तो ऐसी सिचुएशन में पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स मिलने की तारीख से 30 दिनों के अंदर फ्री लुक पीरियड के अंदर उसे वो अलग हो सकते हैं, उसे वापस कर सकते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के मामले में ये अवधि 30 दिनों की ही थी, यानी नए बदलाव के बाद किसी भी माध्यम से प्राप्त पॉलिसी के लिए फ्री लुक पीरियड पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने की तारीख से 30 दिन ही होगी। मिस सेलिंग की घटनाओं के लिए बीमा नियामक IRDA ने कई प्रावधान किए हैं जिसके तहत आप बीमा कंपनी के खिलाफ मामला भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगता है, काफी टाइम आपका इसमें बर्बाद हो जाता है। इसका आसान जरिया है फ्री लुक पीरियड। आज हम आपको बताएंगे कि क्या होता है फ्री लुक पीरियड और आप अगर मिस सेलिंग का शिकार हुए हैं तो कैसे आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि फ्री लुक पीरियड क्या होता है। इजी वर्ड्स में अगर इसको कहा जाए तो फ्री लुक पीरियड ठीक वैसे ही है जिस तरह ई कॉमर्स कंपनियों से आप रिप्लेसमेंट की गारंटी लेते हैं। सभी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वालों को बीमा कंपनियों की तरफ से फ्री लुक पीरियड मिलता है। फ्री लुक पीरियड वो अवधि होती है जिसमें कोई ग्राहक पॉलिसी खरीदने के बाद अगर नियम और शर्तों से संतुष्ट नहीं है तो पॉलिसी को वो वापस कर सकता है। कम से कम 3 साल की जीवन बीमा पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर ही लागू होती है। अब जानते हैं फ्री लुक पीरियड का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आपके पास इसीलिए भेजे जाते हैं कि आप अपनी पॉलिसी को ठीक से पढ़ लें, समझ लें, उसकी बातों को अच्छे से दिमाग में अपने सेट कर लें, इधर उधर आप कंपेयर कर लें। यदि आपके लिए फायदेमंद है तभी आप आगे निवेश करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि पॉलिसी आपके काम की नहीं है तो आप उसे वापस कर सकते हैं। आइए अब फ्री लुक पीरियड की जरूरतों को भी जान लेते हैं कि आखिर ये क्यों जरूरी है। अब क्योंकि यहाँ 15 दिनों की बंदिश है, ऐसे में आपको पॉलिसी कब मिली इस बात को साबित करने के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस बात की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिस लिफाफे में, जिस एनवलप में आए हैं उसे आप संभाल कर रखें। ये आपकी बात साबित करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि फ्री लुक पीरियड्स सिर्फ नई पॉलिसी लेने पर मिलता है। अगर आप पॉलिसी रिन्यूअल करा रहे हैं तो उस पर ये नहीं लागू होगा। फ्री लुक पीरियड में कंज्यूमर के पास पॉलिसी लौटाने का ऑप्शन होता है। पॉलिसी लौटाने पर ग्राहक को प्रीमियम का पूरा रिफंड मिल जाता है, लेकिन पॉलिसी वापस करने से पहले कंज्यूमर को बताना होता है कि पॉलिसी लौटाने की वजह क्या है। यहाँ एक और बात आपको ध्यान देनी है कि कंपनी आपको पूरा पैसा वापस नहीं देती। कंपनियां आपसे जुड़े खर्च को घटाकर आपको पेमेंट करती है। कंपनी आपकी मेडिकल जांच और स्टैम्प ड्यूटी पर जो खर्च होता है उसे घटाकर ही आपको रिफंड करती है। वहीं अगर आपने यूलिप पॉलिसी में निवेश किया है तो प्रीमियम का रिफंड NAV के मुताबिक होता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मॉर्निंग 9।